हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लेनोवो के 8 नोट के बारे में, जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाया है और ये मुझे पड़ा 13,000 रुपये करीब। तो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं प्रोडक्ट्स मंगवा के उनके रिव्यू करके अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, तो आज का जो मेरा प्रोडक्ट है वो ये देखिए, वो लेनोवो का के 8 नोट है, ठीक है, जो फ्रेंड्स मैंने अमेजोन से मंगवाया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, बहुत अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करिए। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि इस टाइम मार्केट में ऑक्टाकोर प्रोसेसर चल रहे हैं, तो लेनोवो ने अभी मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग लेनोवो ने पहला ऐसा फ़ोन निकाला जो डेका कोर प्रोसेसर के साथ में है, जिसके 10 कोर हैं। ऑक्टाकोर में 8 कोर थे, उससे पहले ड्यूल कोर, क्वाड कोर, जिसमें ड्यूल कोर में दो कोर, क्वाड कोर में 4 कोर, जितने ज़्यादा कोर होते हैं उतनी उसकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होती है। तो फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये वाला फ्रेंड्स, मैंने लेनोवो का ये के 8 नोट का फ़ोन मैंने मंगवाया है अमेजोन से, और आप देख सकते होंगे इसका बैक कवर मुझे इसके साथ में मिला है, जो ये ट्रांसपेरेंट ब्लैक बैक कवर है, ठीक है। और ये मैंने इस पर प्रोटेक्टर चढ़ा रखा है, जिसको आप टेम्पर्ड ग्लास भी कहते होगा, तो ये मैंने अलग से लिया है, अमेजोन से मंगवाया है, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा फ़ोन रहा है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, ओके गुड टू गो फ़ोन है। तो मैं आज आपको इसका फीचर बताने वाला हूँ कि इस फ़ोन में क्या क्या फीचर है। फ्रेंड्स, कंपनी ने मार्केट में दो मॉडल वाले फ़ोन निकाले हैं, एक है लेनोवो का के 8 नोट 3GB रैम वाला और दूसरा है 4GB रैम वाला। तो मैंने ये फ़ोन जो मंगवाया वो 4GB रैम मॉडल में मंगवाया, ठीक है, विद 2.3GHz का डेका कोर प्रोसेसर के साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। और बैटरी इसकी आप कहोगे तो 4000mAh की है, जो कि ठीक है, मतलब पूरा दिन यूज़ करने के बाद मतलब एक दिन चल जाती है, आप पूरा दिन इसको यूज़ कर सकते हो फुल चार्जिंग के साथ में। और जो ये चार्जर आया इसके साथ में, ये 15 वाट का टर्बो चार्जर है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपकी 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्ज कर देगा, आप 2 घंटे मान के चलो, 2 घंटे में ये पूरी बैटरी को फुल चार्ज कर देगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि इसके 3 कैमरे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 कैमरे आपको दिख रहे होंगे, ये इसके 2 कैमरे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, आपको इसको 2 कैमरे दिख रहे होंगे, एक फ्रेंड्स ये वाला कैमरा है और एक ये वाला कैमरा है, ठीक है। बैक में इसके 2 कैमरे हैं, 13+ और एक शायद 8 का है, और एक यहाँ पे जो फ्रंट के कैमरा है, ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं। तो इसकी कोई भी अगर कोई मिसिंग होती डिटेल तो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और फ्लैश लाइट भी इसमें दोनों है, देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट में भी इसके फ्लैश लाइट है, देखिए आपको दिख रही होगी, ठीक है, और इसके देखिए फ्रेंड्स फ्रंट पे दिख रही है आपको, और इसके बैक साइड में फ्लैश लाइट है, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। और ये इसका फिंगर सेंसर है, जिसको आप ऐसे टच करके लॉक खोल सकते हो। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि लेनोवो ने मोटोरोला को ख़रीद लिया है, तो इसकी लुक भी मोटोरोला जैसी ही है, आप अगर इसके फंक्शन चलाओगे ना तो आपको फील होगा कि आप मोटोरोला ही चला रहे हो, ठीक है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारे ऐप डाले हैं, अप्रॉक्सीमेटली 70 ऐप डाले हैं, जो कि 4GB रैम के साथ में चल रहे हैं और बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है इनमें, ठीक है। ये देखिए बैटरी आपको मैंने बता दिया 4000mAh की है, और कैमरा बैक वाला 13 है और दूसरा 8MP का कैमरा है, ठीक है। अगर कोई भी और डिटेल होगी तो मैं जो अगर कोई डिटेल मिस होती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको परचेज कर सकते हो, मैं आपको अमेजोन का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कोई भी चीज़ अच्छी लगती है और आपकी आप उसकी प्रॉपर डिटेल चाहते हो, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी एक एक चीज़ को देखा करो, क्योंकि एक एक चीज़ में जो भी मेन चीज़ें होती है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, तो आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन फ्रेंड जरूर देखा करिए, ठीक है। एक बार ये देख लीजिए आपको लुक, और अगर मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ, देखिए काफ़ी ये मुझे थीम इसकी काफ़ी अच्छी लगी है, और अगर देखिए मैं सेटिंग में जाता हूँ तो ये देखिए, ठीक है, और अबाउट फ़ोन में जाता हूँ तो यहाँ पे अबाउट फ़ोन में आप देख सकते हैं इसके, ये देखिए, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको फ़ोन करते हो आपको एक अपडेट भी मिल जाती है, तो आप उसको अपडेट कर लेना। और ये एंड्रॉयड के 7.1 नॉकट के साथ में है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है, ओरियो भी अभी आपको जैसे पता है कि एंड्रॉयड का ओरियो वर्जन भी आ चुका है, तो उसमें उसकी अपडेट इसमें आ जाएगी, ठीक है। आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इसके टच काफ़ी स्मूथ है, ये देखिए बिल्कुल चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये देखिए ब्राउज़र भी यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसके कुछ फीचर देखे थे, ठीक है, तो ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, कंपनी ने इसको 2017 में अगस्त में निकाला है, तो अभी सिर्फ अमेजोन पे ही एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है, तो फ्लिपकार्ट पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ में और कंफ्यूजन, आप कंफ्यूज मत रहना, ये लेनोवो का के 8 नोट है फ्रेंड्स, ये देखिए ये लेनोवो के 8 नोट है, ये के 8 प्लस नहीं है, ठीक है, तो प्लस और के 8 में फर्क है, ठीक है। और ये देखिए इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेनोवो के 8 नोट में डेका कोर का 2.3GHz का प्रोसेसर है, ठीक है, 3 और 4GB रैम में ये अवेलेबल है, मैंने इसको 4GB रैम में मंगवाया, ठीक है। और बैक कैमरा देखेंगे तो 13MP+ 5MP ड्यूल कैमरा है, आप देख सकते होंगे, ठीक है।
और सेकेंडरी कैमरा देखेंगे 13 MP है, मैंने आपको दिखा दिया है, मतलब बैक का कैमरा इसका 13+5 है और फ्रंट का इसका 13 MP कैमरा है, ठीक है। वो ऑडियो भी इसकी सही है, मैं आपको एक बार ऑडियो भी सुना देता हूँ इसकी, इसको आपको देखिए एक मिनट, मैं आपको ऑडियो इसकी सुना देता हूँ, तो मुझे ठीक लगी, कोई मतलब वैल्यू फॉर मनी है आप ये नहीं कह सकते, वैल्यू फॉर मनी नहीं है, ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए, और यहाँ पे देखिए ये दो स्पीकर हैं, तो ऑडियो भी इसकी सही है, ये देखिए आप दो स्पीकर भी इसके देख सकते हैं, यहाँ चार्जिंग जैक है, ठीक है, टर्बो चार्जर 15 वाट का मिला है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन लगा है मुझे, तो मैंने कहा चलो इसका रिव्यू मैं अपने चैनल पर डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ले सकते हो, इसकी डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे दूँगा, ठीक है, और आप इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन देख लेना, ठीक है, एक बार आपको फिर दिखा रहा हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स काफ़ी स्मूथ फ़ोन लगा है और थोड़ा सा हैवी वेट है तो उसका इशू आ सकता है, और कोई दिक्कत नहीं है, देखिए इतने सारे ऐप मैं इकट्ठे चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं, देखिए 70-80 ऐप चला रहा हूँ। और फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने प्रोडक्ट्स के रिव्यू करता हूँ, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट मंगवाता हूँ तो ऑनलाइन रिव्यू करता हूँ, तो अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मैंने इसको 13,000 रुपये मंगवाया है और अभी ये अमेज़न की सेल में 12,000 रुपये का है, तो 1,000 का ऑफ मिल अभी मिल रहा है, तो अगर आप इसको मंगवाना चाहो तो मंगवा सकते हो, ठीक है। अगेन मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स इसकी लुक, और फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए ये म्यूज़िक के लिए ये एक बटन है, ठीक है, यहाँ से आप इसको से लॉक खोल सकते हो, देखिए ऐसे इसका आप लॉक खोल सकते हो, ठीक है, और ये इसका सॉरी ये म्यूज़िक का है, यहाँ से आप इसकी म्यूज़िक की आवाज़ तेज कर सकते हो, यहाँ से कम कर सकते हो, ठीक है, और ये इसका टच सेंसर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो मुझे ओके लगा, मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा, तो मैंने इसको मंगवाया। और अगर आपको अच्छा लगे और आपकी क्या रिव्यू है इस फ़ोन के बारे में तो आप कमेंट में ज़रूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू, लैगिंग का कोई इशू नहीं है, मैंने इसमें एक दो गेम्स भी चला के देखे हैं तो मुझे इसमें कोई इशू नहीं लगा है, क्योंकि डेका कोर प्रोसेसर के साथ में है। अगर आपको कोई इशू लगता है या कुछ भी दिक्कत हो या कोई भी पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, तो फ्रेंड्स वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर सीइंग माय वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और थैंक यू फ्रेंड्स।